Hello students, now we have to start the chapter, that is Nazism and the rise of Hitler. Okay, तो इसमें अभी तक हमने देखा कि किस तरह हिटलर ने जर्मनी को एक रेशियल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना? जो दूसरी रेसेस थी अदर देन आर्यंस, उन सबको उसने प्रॉपरली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया. इवन उसने तो डिसेबल लोगों को भी नहीं छोड़ा. अकॉर्डिंग टू द हिटलर, डिसेबल लोग भी कैसे थे? देवर अनडिजायरेबल, उनकी दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भी एलिमिनेट करना शुरू कर दिया. तो हिटलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आर्यंस को देते थे, है ना? और अपनी नाजी आइडियोलॉजी उन्हें पढ़ाने के लिए हिटलर बचपन से ही बच्चों को ट्रेंड करते थे. मेन उनका जो ध्यान था दैट वाज ऑन द यूथ, कि भाई किस तरीके से यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, उन्हें नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए और किस तरह जूस के अगेंस्ट उनके मन में हेटर्ड भरा जाए. ठीक है, उसके हिसाब से बॉयज को तो अग्रेसिव होना चाहिए, मस्कुलाइन होना चाहिए, वॉरियर होना चाहिए. सबसे अच्छा जो गेम है अकॉर्डिंग टू द हिटलर वो कुश्ती है, लड़ाई झगड़े वाली. दैट इज द बेस्ट गेम फॉर द बॉयज. ठीक है, तो यहाँ पर हिटलर का मेन जो ध्यान था वो यूथ की तरफ था. वो यूथ को चाहता था कि यूथ उसके तरफ अट्रैक्ट हो और उसकी बताई हुई नाजी आइडियोलॉजी को प्रॉपरली फॉलो करें. इसके लिए यहाँ पर हिटलर ने स्टेप बाय स्टेप यूथ के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अरेंज किए हुए थे, है ना? स्कूल के अंदर भी नाजीज आइडियोलॉजीज पढ़ाई जा रही थी, जीज के अगेंस्ट हेटर्ड पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए जा रहे थे. सबसे पहले तो उसने स्कूल्स को प्योरीफाइड करना शुरू कर दिया. किस तरीके से प्योरीफाइड किया? स्कूल के अंदर जो जूस और दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, विच इज़ अनडिज़ायरेबल, है ना? अब अनडिज़ायरेबल तो आपको पता है कौन है अनडिज़ायरेबल, जिनको हिटलर पसंद नहीं करता अदर देन आर्यंस. ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल टीचर्स को सबसे पहले उसने स्कूल से एलिमिनेट किया, उसके अलावा स्टूडेंट्स को, इवन उसके जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उन्हें भी उसने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक थी स्कूल की, है ना, बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, अब ये भी हिटलर ने डिसाइड किया और जो बुक्स थी इन्हें वापस से लिखवाया गया, रीराइट करवाई गई ये बुक्स. इसके अंदर नाजी आइडियोलॉजी डलवाई गई, है ना? ज्यूज किस तरीके से खराब हैं, क्यों उनसे हेट करना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें डाली गई. मीन्स बचपन से ही बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी कि ऑटोमेटिकली उनके मन में जूस के अगेंस्ट हेट भरता चला जाए और आगे जाके वो नाजी आइडियोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट कर ले, है ना? ऐसा नहीं हो हम क्वेश्चनिंग करते ना, ये सही ये गलत क्यों. तो उनको जो गलत है वो सही करके बचपन से ही सिखाया चलाया जा रहा था. तो क्योंकि वो बचपन से ही सिखाया जा रहा था जो गलत चीज़ें थी, बच्चों के हिसाब से वो चीज़ें सही हो गई. हमें जो बचपन से पढ़ाया जाता है हमारे लिए वही सही होता है, है ना? तो यहाँ पर बचपन से उनके दिमाग में नाजी आइडियोलॉजी को बिठाया जाने लग गया और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिसके अंदर इन बच्चों को ट्रेंड किया जाता था अबाउट द नाजी आइडियोलॉजी. तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी. यूथ इन नाजी जर्मनी किस तरह का
यूथ था नाजी जर्मनी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सबसे पहले भाई सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ मिलेगा, स्कूल में, बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल में ही मिलेंगे ना। तो स्कूल के अंदर उसने क्लीन स्कूल को क्लीन करना शुरू किया, क्लीन एंड प्योर, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जो भी जूस कम्युनिटी को बिलोंग करता था, इवन पॉलिश हैं, रशियन हैं, विच इज़ अनडिज़ायरेबल, उन्हें स्कूल से एलिमिनेट कर दिया गया और फाइनली 1940 में उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया गया। पर फिलहाल स्कूल से एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। जीव्स के अगेंस्ट इस तरह की शिक्षा एजुकेशन दी जा रही थी, या यूँ कह सकते हैं इस तरह से पढ़ाया जा रहा था कि बच्चों के मन में उनके अगेंस्ट हेटर्ड भरती चली जाए, है ना। मोकिंगली चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती थी, जैसे कि कुछ भी चीज़ समझानी है, मजाक बनाना है, तो किसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, जूस का एग्जाम्पल दिया जाएगा। मैथ्स की क्लास में काउंटिंग करनी है तो मोटी मोटी नोज बना दी जाए, किसकी नोज है ये, जूस की नोज है, मजाक बनाया जा रहा था। बच्चों के मन में उनके अगेंस्ट नफरत जितनी ज़्यादा भरी जा सकती थी वो भरी जा रही थी। बेसिकली हिटलर का मेन एम था कि बच्चे नाजी आइडियोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट कर लें, उसके लिए किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग ना करें। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई 10 ईयर की एज में, जंग वॉक, ठीक है, यहां पर इनको एडमिशन दे दिया जाता था। जैसे ही बच्चा 14 इयर्स का होगा, 14 इयर्स की एज में हिटलर्स यूथ, ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और 18 ईयर की एज में क्या किया जाएगा, उसको लेबर सर्विसेज करनी पड़ेंगी। और जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, दैट यूथ हैज टू सर्व फॉर द आर्मी, कुछ सालों तक आर्मी में सर्व करना उसके लिए मैंडेटरी रहेगा, कंपलसरी है। क्यों है? क्योंकि नाजी जर्मनी के अंदर हिटलर सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, वॉर ही तो कर रहा है, तो वॉर में ही नीड द सोल्जर्स। तो 18 इयर्स की एज में कुछ टाइम के लिए दे हैव टू सर्व फॉर द लेबर सर्विसेज, और उसके बाद आर्मी ज्वाइन करेंगे, कुछ सालों तक कंपलसरी दे हैव टू सर्व इन द नाजी आर्मी, ठीक है। नाजी आर्मी में सर्व करने के कुछ सालों के बाद वो किसी ना किसी हिटलर ऑर्गेनाइजेशन में, हिटलर की जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी काम करने के लिए, है ना, जैसे डिपार्टमेंट्स, तो उनमें से किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उन्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा, काम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हिटलर ने बचपन से ही उन्हें ट्रेंड करना शुरू किया। यहां पर उन्हें पढ़ाया जाता था कि नाजी आइडियोलॉजी कितनी अच्छी है, व्हाई दे हैव टू एक्सेप्ट इट। उसके अलावा जो मैन है उन्हें एग्रेसिव, मस्कुलाइन, स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें करना, दैट इज वेरी गुड, शांत, पीस लविंग ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हें पढ़ाई जा रही थी। इवन गेम्स के नाम पर सबसे पॉपुलर गेम जो था हिटलर की नाजी जर्मनी में, दैट वॉज द रेसलिंग, है ना, लड़ाई झगड़े वाला गेम वॉज द बेस्ट गेम इन द नाजी जर्मनी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों का बचपन से ही क्या हो रहा था, हिटलर के नाजी आइडियोलॉजी में फेथ डेवलप होना शुरू हो गया था। और ये जो चीज़ें हैं, दैट इज़ बेसिकली फॉर द बॉयज़, है ना, गर्ल्स के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए हिटलर के आइडियाज़ या उसकी जो थिंकिंग है, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट गर्ल्स, वो क्या सोचते थे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, यूथ इन नाजी जर्मनी, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए जिसमें आप नोट्स लिख रहे हैं, ले लीजिए पेन, शुरू कीजिए, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ही फेल्ट
that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology, है ना। यूथ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया उसने, तो उसके हिसाब से बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना दैट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड, मींस ज्यूस टीचर्स एंड पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड, है ना। जूस टीचर्स और पॉलिटिकली अनरिलायबल, पॉलिटिकली वो जिन पर फेथ नहीं कर सकता था, ठीक है, उन सबको क्या कर दिया गया, ऑल वर डिसमिस्ड। नेक्स्ट लिखिए, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन लाइक जूस कॉमा द फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड में सब आ गए, आइदर दे आर आर्यन और दे बिलोंग टू एनी अनदर रेस, ठीक है। द फिजिकली हैंडीकैप्ड कॉमा जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल एंड इन 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर। इन 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, ठीक है, बाकायदा उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। नाजी आइडियाज उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन एंड रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, ठीक है। क्यों लिखवाई स्कूल की बुक्स वापस से, व्हाई इट वॉज री रिटन, कि बच्चों में नाजी आइडियाज जो हैं, क्यों वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं विद द अदर रेसेस, वो चीजें बच्चों को जस्टिफाई की जा सकें। अगर वो वही पुरानी बुक्स पढ़ते रहते तो या तो इक्वालिटी वाली चीजें पढ़ने में आती, है ना, तो इक्वालिटी तो है ही नहीं नाजी जर्मनी में। नाजी जर्मनी में एक ही रेस है विच इज द बेस्ट, बाकी सब वर्स हैं, तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए। इसलिए यहाँ पर स्कूल टेक्स्ट बुक को वापस से जस्टिफाई करने के लिए री रिटर्न किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Children were taught to be loyal, submissive, hate Jews and worship Hitler. ये चीजें बचपन से पढ़ाई जा रही थी, क्या करना है आपको, loyal रहना है, किसके लिए loyal, to the Hitler, है ना, submissive, hate Jews and वर्शिप हिटलर, हिटलर की तो पूजा करो, वो तो भगवान है। उसी ने ही जर्मनी को इतना ज़्यादा डेवलप किया है, परेशानियों से सबको बाहर निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 10 years old had to enter जंग वोक, है ना, 10 years old had to enter जंग वोक। नेक्स्ट, एट 14 year all boys, है ना, only boys के लिए है ये, all boys had to join the Nazi youth organization called Hitler's Youth, next लिखिए, they joined the labor services at the age of 18. They joined the labor services at the age of 18. Next लिखिए, they had to serve in the armed force
एंड एंटर वन ऑफ नाजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट द यूथ इन द नाजी जर्मनी। ठीक है, नाजी जर्मनी का जो यूथ था उसको हिटलर ने पूरे तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। गेम्स के नाम पे रेसलिंग चल रही थी, लड़कों को सिखाया जा रहा था स्ट्रांग रहो, सबमिसिव रहो, मस्कुलाइन रहो, एंगर इज गुड फॉर द बॉयज, ये चीजें बच्चों को सिखाई जा रही थी। किनको? बॉयज को, नॉट फॉर द गर्ल्स। बच्चों का मतलब यहाँ पर केवल बॉयज है, गर्ल्स नहीं है। गर्ल्स को ये सब चीजें नहीं सिखाई जा रही थी। तो गर्ल्स को क्या सिखाया जा रहा था? हिटलर की जर्मनी में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थे, दे आर गर्ल्स और बॉयज। बॉयज जो थे उन्हें स्ट्रांगली प्रिपेयर किया जा रहा था और गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी टू बी अ गुड मदर, है ना, किस तरीके से उन्हें एक अच्छी मदर बनना है और अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ानी है। एंड दे हैव टू बी प्यूरिफाई द रेस ऑफ आर्यन। यहाँ पर कोई और कम्युनिटी मिक्स ना हो जाए, पोल्स, रशियन, ज्यूस तो थे ही, है ना, ये कोई भी कम्युनिटी मिक्स ना हो जाए, अपनी रेस की प्योरिटी को बनाए रखना है। ये काम किसका है? वुमेन का काम है। ठीक है, 1933 में हिटलर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इन माय जर्मनी मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन। ठीक है, 1933 में, लेकिन हिटलर की जर्मनी में ऑल मदर्स आर नॉट इक्वल। व्हाई दे आर नॉट इक्वल? अकॉर्डिंग टू हिटलर, अगर डिजायरेबल बच्चे हैं तब तो ठीक है, शी विल गेट सो मैनी ऑफ अवार्ड्स, हर जगह कंसेशन है, चाहे वो ट्रेन हो, बसेस हो, सिनेमा हॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, हॉस्पिटल हो, एवरीवेयर द मदर ऑफ अ डिजायरेबल आर्यन चिल्ड्रन विल गेट द बेनिफिट, है ना, अवार्ड्स मिलेंगे उसे, बहुत सारे कंसेशन मिलेगा, बहुत सारा। लेकिन अगर अनडिजायरेबल बच्चा होता है तब उसी मदर को जिसको इतना कंसेशन मिला था डिजायरेबल बच्चे की वजह से, अगर अनडिजायरेबल होता है तो शी विल गेट पनिशमेंट, उसे उसका पनिशमेंट मिलेगा, है ना, मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, या फिर वो बच्चा आर्यन चाइल्ड ना होकर जीन्स चाइल्ड है या पॉलिश या रशियन चाइल्ड है, तो फिर यहाँ ना केवल मदर को बल्कि उसकी पूरी फैमिली को पनिश किया जाता था, बाकायदा हेड शेव करके, फेस पूरा ब्लैक करके और गले में एक प्ले कार्ड टांग दिया जाता था कि आई स्यूल द ऑनर ऑफ नेशन, मैंने नेशन के जो ऑनर है उसको खराब किया है, और शहर में घुमाया जाता था। कई बार उनके हस्बैंड और दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था इफ दे फाउंड दे हैव एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट विद द अदर रेस पीपल। जिप्सीज हैं, जूस तो हैं ही, पॉलिश, रशियन, किसी भी अदर कम्युनिटी के साथ कोई कांटेक्ट है अगर आर्यन वुमन का, तो वहां पर उन्हें उसके लिए बहुत बुरी तरह पनिशमेंट दिया जाता था। इसके अलावा अवार्ड्स भी थे, डिजायरेबल चिल्ड्रन अगर वो रेयर करते हैं तो दे विल गेट द अवार्ड्स, क्योंकि हिटलर क्या कर रहा था, दूसरी सभी कम्युनिटी को खत्म कर देगा तो कुछ मुट्ठी भर आर्यन ही तो बचेंगे, उन पर क्या रूल करना, तो फिर वो चाहता था आर्यन कम्युनिटी जो है वो मल्टीपल हो, ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे जो है वो दुनिया में आए, तो जो आर्यन बच्चे जिनके हो रहे थे उन्हें अवार्ड दिया जाता था। ठीक है, एक क्रॉस ऑनर दिया जाता था, और उसके लिए इफ दे रेयर 4 चिल्ड्रन तो ब्रॉन्ज, 6 है तो सिल्वर, 8 और मोर है तो दे विल गेट गोल्ड क्रॉस।
है ना। तो यहाँ पर उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है, पनिशमेंट भी है अवार्ड भी है, बट पनिशमेंट है इफ दे हैड अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, आर्यन चिल्ड्रन नहीं है। वो क्या चाहता है, केवल आर्यन ही मल्टीपल हों, दूसरे बच्चे नहीं। ठीक है, तो क्या है इन द, इसको लिख लिया ना आपने, इसको रब कर रही हूँ बच्चे। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, दैट इज द कल्ट ऑफ मदरहुड। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए नाजी आइडियाज डिफरेंट थे। बॉयज को बोला जा रहा है टू बी मस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग, है ना। गर्ल्स को बोला जा रहा है टू बी ओबीडियंट, हैव फेथ इन द नाजी आइडियोलॉजी एंड टीच योर चिल्ड्रन द सेम नाजी आइडियोलॉजी, है ना। बच्चों को भी वही सिखाना है, आप बच्चों को कुछ और नहीं सिखा सकते। यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन कि दे हैव टू हैव फेथ इन द हिटलर्स नाजी आइडियोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड लिख लिया। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव कॉमा मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड। नेक्स्ट लिखिए, गर्ल्स हैड टू बिकेम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। नेक्स्ट लिखिए, इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स नॉट ट्रीटेड इक्वली, है ना। इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स नॉट ट्रीटेड इक्वली। नेक्स्ट लिखिए, वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। नेक्स्ट, वुमेन हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। नेक्स्ट लिखिए, टू इनकरेज वुमन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। ठीक है, क्रॉस साइन जो होता है, ठीक है, ऑनर क्रॉसेस, ऑनर किया जाए कौन है, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वुमन हु डिड नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवियरली पनिश्ड। ओके, तो यहां पर जो ये ऑनर क्रॉसेस हैं, ऑनर क्रॉसेस किसके लिए दिए जा रहे हैं, ऑनर क्रॉसेस टू बोर डिजायरेबल चिल्ड्रन। ठीक है, अगर डिजायरेबल चिल्ड्रन है तो दे विल गेट कंसेशन एवरीवेयर, हॉस्पिटल का बिल तो देना नहीं है, साथ में दे विल गेट द कंसेशन एवरीवेयर इन द ट्रेन बसेस शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल्स एवरीवेयर। जो मदर है, किसकी मदर, डिजायरेबल चिल्ड्रन की। कौन से बच्चे डिजायरेबल हैं,
दोज हु आर आर्यंस, है ना, आर्यन बच्चे डिजायरेबल हैं, तो आर्यन चिल्ड्रन की मदर को दे विल गेट द बेनिफिट एवरीवेयर। ऑनर क्रॉसेस दिए जा रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, ठीक है, ज्यादा बच्चे हों, क्योंकि क्या कर रहे हैं हिटलर, दूसरी कम्युनिटी को तो धीरे धीरे एलिमिनेट करते चले जा रहे हैं, तो कंट्री में रूल किस पर करेंगे, तो दे इनकरेज द पीपल टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, तो उसके लिए उन्होंने एज ए अवार्ड ऑनर क्रॉसेस रखे। इसमें थे तीन कैटेगरी, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के क्रॉसेस दिए जा रहे थे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड दे प्रोड्यूस। अगर गलती से अनडिजायरेबल चिल्ड्रन हो गया तो कौन से चिल्ड्रन अनडिजायरेबल हैं, मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर ज्यूज या जिप्सीज, पॉल्स या रशियन पीपल के बच्चे, है ना, अगर इनके बच्चे हैं तो द मदर विल गेट पनिशमेंट। बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था मदर को, ठीक है, हेड शेव करना, फेस ब्लैक कर देना, और फिर उसको पूरे शहर में घुमाना, इवन उनके हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स दे विल आल्सो गेट द पनिशमेंट। कई सारों को तो केवल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के क्राइम में जेल में भी डाला गया, बिकॉज अनडिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो यहां पर नाजी आइडियोलॉजी वॉज डिफरेंट फॉर द बॉयज एंड फॉर द गर्ल्स, ठीक है। तो आप इसको एक बार बुक में से भी रीड कर लीजिएगा, नोट्स मैंने आपको लिखाए हैं, उसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा, है ना, अगर कहीं कुछ आपको लग रहा है मैम जल्दी बोल रही हैं तो पॉज करके प्रॉपरली उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।